हेलो फ्रेंड्स, आई एम विकास एंड यू आर वाचिंग मी ऑन आर्ट मैजिक बाय विकास। आप सभी का मेरे स्टार्स यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आपके लिए ले आया हूँ एक अनबॉक्सिंग वीडियो। आज की अनबॉक्सिंग होने वाली है एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन अनबॉक्सिंग। आज की वीडियो में मैं करने वाला हूँ अपनी एक न्यू फोन की अनबॉक्सिंग। आप सोच रहे होंगे मैं फोन की अनबॉक्सिंग क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे घर पे अभी एक न्यू फोन आया है विच इज फॉर मी, एंड इससे मैं अब आगे की वीडियोस को शूट करूंगा। तो मैंने सोचा कि उसका कैमरा अच्छा होना चाहिए एंड आप लोगों तक जो वीडियो की क्वालिटी है मैं उसे इम्प्रूव करना चाहता हूँ। तो इसीलिए अब मैं अपनी सारी वीडियोस इस फोन में रिकॉर्ड करूंगा। तो बिना समय गवाए मैं अब आपको बताता हूँ कि मैंने कौन सा फोन परचेज किया है। जो मैंने न्यू फोन परचेज किया है वो है Realme 11 5G फोन। इस फोन का हम आज आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे कि इस बॉक्स के अंदर क्या है एंड इसकी क्या क्या स्पेसिफिकेशन है इस फोन के एंड सब कुछ इसके बारे में। तो बिना समय गवाए लेट्स जंप इनटू द अनबॉक्सिंग। तो ये है हमारा Realme का Realme 11 5G फोन। ये एकदम ब्रांड न्यू है। इस तरीके की इसकी कुछ पैकेजिंग है, तो आज हम इसे ओपन करके अब देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है। तो क्लोजली आप एक व्यू ले सकते हैं इस फोन का। यहाँ पे हमें Realme की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है एंड इसके बाद फोन के साइड में भी आपको Realme 11 5G लिखा देखने को मिलता है। फिर यहाँ पे आपको कुछ मॉडल नेम एंड नेसेसरी डिटेल्स इस फोन के बारे में लिखी हुई मिलती हैं। इस साइड में फिर से आपको सिर्फ और सिर्फ Realme लिखा हुआ देखने को मिलता है। ये साइड पे आपको कुछ भी नहीं मिलता है। तो अब हम इसके बैक साइड पर चलते हैं। ये हमारे फोन का बैक साइड। यहाँ पे हम सबसे पहले Realme 11 5G लिखा देखने को मिलता है। इस फोन की स्पेसिफिकेशन में आपको एक कैमरा मिलता है जो कि 108 मेगापिक्सल का प्रोलाइट कैमरा है। फिर उसके बाद इसके अंदर आपको 500 mAh की एक बैटरी मिल जाती है एंड 67 वॉट का एक चार्जर। डायनेमिक अल्ट्रा स्मूथ डिस्प्ले है इसका, ये IPS डिस्प्ले है। एंड फिर उसके बाद डायमेंसिटी 16100+ एंड 5G चिपसेट इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है। ये इसका प्रोसेसर है डायमेंसिटी 6100। तो हम इस बॉक्स को ओपन करके देखते हैं। ये हमारा बॉक्स। यहाँ पे अंदर हमको सबसे पहले एक अ ग्रेट स्टोरी सिंस द फर्स्ट लीप लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। एज यूजुअल जैसे Realme की पैकेजिंग होती है। उसके बाद यहाँ पे आपको डेयर टू लीप लिखा हुआ देखने को मिलता है। अब हम इसके अंदर चेक कर लेते हैं इसके अंदर हमें क्या लिखा या क्या मिलता है। एज यूजुअल आपको इसके अंदर एक सिम इजेक्टर टूल देखने को मिलता है एंड कुछ राइटअप्स, कुछ पेपर वर्क जो किसी काम के नहीं है। यहाँ पे आपको एक ट्रांसपेरेंट केस भी देखने को मिलता है जिसके अंदर आपको समझ में आ रहा होगा कि कैमरा का साइज कितना ज़्यादा ह्यूज है एंड किस तरीके से फोन दिखने वाला है। तो इसे हम साइड पे रखते हैं। अब हम मेन चीज पे आते हैं विच इज द फोन। ये हम इसे निकालते हैं। ये हमारा कुछ फोन ऐसा है दिखता है फ्रंट साइड से एंड बैक रिवील। ओ माय गॉड, इतना सुंदर फोन। आप देख पा रहे होंगे कि ये गोल्ड कलर में अवेलेबल है। यहाँ पे ये इसका कैमरा प्लेसमेंट है जिसके अंदर हमें दो कैमरास देखने को मिलते हैं एंड यहाँ पे आपको Realme की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। इतना प्रिटी फोन है, ये गोल्ड कलर में है
साइड से भी एकदम फ्लैट फोन है एंड पूरा का पूरा मिरर फिनिश में आपको ये दिखाई देता है साइड से भी। यहाँ पे आपको एक टाइप सी मिलता है चार्जिंग पोर्ट एंड फिर एक माइक्रोफोन के लिए आपको मिलता है और फिर उसके बाद यहाँ पे आपको स्पीकर ग्रिल्स देखने को मिल रहे हैं। इस साइड पे आपको एक सिम स्लॉट मिल रहा है जिसके अंदर आपको डुअल सिम एंड एक एसडी कार्ड के लिए है। यहाँ पे एक और माइक्रोफोन है टॉप साइड में। साइड में आपको यहाँ पे एक वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन मिलता है एंड पावर ऑन ऑफ बटन देखने को मिलता है जो कि बहुत ही ज़्यादा फ्लैट फ़ोन है। आप इसे देख पा रहे होंगे साइड से, ये फ़ोन पूरा खड़ा भी हो जाता है वो भी एकदम स्ट्रेट, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये कितना ही ज़्यादा फ्लैट है साइड से। तो हम इस फ़ोन को ऑन करके देख लेते हैं। तो बाय द टाइम ये फोन सेटअप हो रहा है तब तक हम देख लेते हैं बॉक्स के अंदर हमें और क्या देखने को मिलता है। तो इसके अंदर हमें एक अडैप्टर मिल जाता है जो कि 80 वॉट्स तक क्लेम करता है कि 80 वॉट्स तक का ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, बट हमारा जो फोन का जो कैपेसिटी है दैट इज 67 वॉट का ही, तो इसीलिए हमें ये अडैप्टर बड़ा है बट हमें सिर्फ 67 वॉट्स तक की चार्जिंग हमारे फोन में मिलेगी। यहाँ पे हमें एक टाइप बी टू टाइप सी का एक केबल मिल जाता है, तो हम यहाँ से इसे निकाल लेते हैं। हम देख लेते हैं, तो ये हमें चार्जर मिल जा रहा है टाइप सी। तो ये हमारा फोन पूरी तरीके से रिबूट हो चुका है, तो फोन कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। वाह, देख पा रहे होंगे इसका डिस्प्ले कितना ही ज्यादा क्लियर एकदम क्लीन लुकिंग है। मुझे तो इसका लुक बहुत ही ज़्यादा पसंद आया एंड इस फोन से फोटोज भी काफ़ी अच्छी आती हैं। तो ये है कुछ पिक्चर्स जो मैंने ली थी इस फोन से, कितने ही ज़्यादा क्लीन पिक्चर आ रही है। इसका कैमरा सच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। तो ये था Realme 11। आपको मेरी आज की ये फोन की अनबॉक्सिंग वीडियो पसंद जरूर आई होगी। पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें एंड जितने भी लोग को जानते हैं उनके साथ मेरे चैनल को शेयर कर दीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन दबाएं ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलता हूं आपको जल्द ही ऐसी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।